अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, जो हमारी वीडियोस हैं वो काफ़ी लोग देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब जब अगर हम 3 से 4 महीने पहले की बात करें तो काफ़ी लोगों तक पहुंची है, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको बात नहीं पता चल रही, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। क्या तरीक़ेकार है, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सकती है जो हम बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि सोलर सिस्टम ख़रीदने का तरीक़ेकार है, क्या क्या बेस्ट वे है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके बात? देखिए, अगेन ये कस्टमर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमारा काम है मैसेज को क्रिएट करना और मैसेज को पब्लिश कर देना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं कि मैसेज को क्रिएट भी कर रहे हैं बैठ के और हम उसको पब्लिश भी कर रहे हैं। अब अगर आपको उसमें कोई वैल्यू दिखती है, आपको दिखता है कि ये मैसेज ठीक है, सोलर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ जी होने चाहिए, अगर आपको लगता है कि ए ग्रेड सामान मार्केट में मिलना चाहिए और सी ग्रेड नहीं मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन प्राइस में ए ग्रेड ही मिलना चाहिए, जेन्युइन प्राइस में सी ग्रेड आपको ना कोई थमा दे और टिका दे, तो फिर आपके आपके लिए अगर वैल्यू है सारे मैसेजिंग में तो आप इसको सर्कुलेट करें। आप अपने सर्कल में सर्कुलेट करें, आप अपने उन फ्रेंड्स में करें सर्कुलेट जहां आपको लगता है जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं, ताकि किसी और का भला हो जाए। तो ही मैसेज फॉरवर्ड जाता है, तो ही मैसेज फैलता है। जैसे पीछे रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गिरे हैं, 140 रुपये पे सी ग्रेड बिक रहा था, आज 70, 72, 68, 70s के आसपास में ए ग्रेड बिक रहा है। 5 रुपये प्लस कर लें, 5 रुपये माइनस कर लें, जो भी रेट है, 140 तो नहीं है ना। तो ये जो रेट गिरा है ये लोगों की वजह से गिरा है। हमारा तो काम है मैसेज को क्रिएट करना। लोग फॉलो करेंगे किसी अच्छी चीज़ को तो लोगों का फ़ायदा होगा। हम किसी को भी सोलर पैनल नहीं बेच सकते। कोई सोलर पैनल असली लेना चाहे तो वो जहाँ से मर्जी लेना है ले। पूरा पाकिस्तान खुला पड़ा है ना, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं ना। नहीं देखें, इसीलिए तो हमने तो कभी ये बोला ही नहीं ना कि आप हमसे लो। अगर हमने अपने से दिलवाना हो तो फिर हम तरीक़ेकार क्यों बता रहे हो? यही बात, हम तो ओपनली तरीक़ेकार बता रहे हैं कि ये तरीक़ेकार है, बस इसको फॉलो करना है, जहाँ से मर्जी लें, जहाँ से मर्जी लें। और सिर्फ अपना यूट्यूब पे ये बतानी, इरफाद ऐसे नहीं बता रहे, जब फ़ोन करके भी लोग पूछते हैं तो उनको भी पता है कि हम क्या बात कर रहे होते हैं। कि सर ये तरीक़ेकार है, आप अपने करीबी इलाकों में जाएं, ढूंढें और उनको बोलें कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दें, ताकि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसको वेरीफाई करें, उसके बाद उसको पेमेंट करें, सामान ले लें। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई एक बंदा तो पाकिस्तान में दे ही नहीं सकता, ये सारे मिलके भी पूरी नहीं कर सकते। पर लोगों का जो तरीक़ेकार है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपने वो आउटफ्लो करनी है लोगों के लिए। क्या ये तरीक़ेकार है, आपने इसको फॉलो करना है, मिलेगा आपको इंशाल्लाह इसी मुल्क से मिलेगा जर्मन सामान, बिल्कुल वो खुद ही डिफरेंशिएट हो जाता है एक दो नंबर और से सही जो माल है। बट अगर ये लोगों तक बात जाएगी और मैस लेवल पे क्वांटिटी में अगर लोग फॉलो करेंगे तो ये रेट ये चेंज आता है, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिल्कुल। और फिर जो इस तरह नाजायज रेट ऊपर जाते हैं वो नहीं होंगे, बिल्कुल उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। देखें अभी तो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है हमारी जो फॉलो भी करती है, जो रिप्लाई भी करती है, जो फ़ोन कॉल्स भी करती है। जब ये इंशाल्लाह विद टाइम ग्रो करेगी तो आप देखेंगे कि इनकी वॉइस कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए, बेनिफिट तो कस्टमर का ही हुआ रहा, अभी भी पूरी कैंपेन में बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का हुआ है, और वो एट द एक्सपेंस ऑफ एनीबॉडी नहीं हुआ, वो कस्टमर का जायज़ बेनिफिट हुआ कि जो कस्टमर को थर्ड क्लास सामान मिल रहा था उसको बताए बगैर वो कम हुआ है। कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स का पता ही नहीं था और कोई बता ही नहीं रहा था, जबकि डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क में इंपोर्ट करने के लिए लाजमी है, अगर लीगल चैनल से इंपोर्ट करें तो लाजमी है, कोई बता ही नहीं रहा था। डॉक्यूमेंट्स को देखना कैसे, हमने पूरी तफसीली वीडियो बनाई हुई है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने, हमने तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करना है वो भी हमने मेंशन किया हुआ है, किन प्राइसेस में पैनल्स जेन्युइनली आपके एरियाज में आपको मिल जाने चाहिए। अगेन, कोई नाजायज़ मांग रहा हो तो उस वो तो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है ना, बट जेन्युइनली नॉर्मली क्या रेट होना चाहिए उस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसमें किसका बेनिफिट होता है? कस्टमर का होता है। इंपोर्टर अगर नाजायज़ मुनाफा उठा रहा है तो अगेन गलत कर रहा है, बेनिफिट किसका हो रहा है? कस्टमर का हो रहा है ना। तो कस्टमर को ही इन बातों को फॉलो करने में और स्प्रेड करने में बेनिफिट हो रहा है, हमारा को पर्सनली बेनिफिट नहीं हो रहा। आपने पैनल लेना है जेन्युइन ले, आप अगर कश्मीर से बात कर रहे हैं या आप मुजफ्फराबाद से बात कर रहे हैं, आप जेन्युइन पैनल ले लें या नॉन जेन्युइन ले लें, पर्सनली हमारे साथ तो आपका कोई ना लेन है ना देन है, ना को हम आपको जानते हैं। बट अगर आपका बेनिफिट हो सकता है और आपका भला हो सकता है कि आपको सीक्रेट ना मिले, तो हम तो वही कर रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, कि अवेयरनेस बढ़े, लोगों तक बात जाए, लोगों को पता लगे कि जेन्युइन तरीका क्या है सामान खरीदने का, और फिर उसके साथ प्राइसिंग को एनालाइज कैसे करना है,
लोगों को यहाँ एक ही तरीका आता है कि सिर्फ प्राइस को एनालाइज करना और उसके अलावा कुछ एनालाइज नहीं करना। और जो सारी दो नंबरी पिछले 4-5 साल में क्रिएट हुई है वो सिर्फ इसी अप्रोच की वजह से हुई है, इसके अलावा कोई अप्रोच तो कस्टमर्स की है नहीं ना। यहाँ को बहुत पढ़ा लिखा कस्टमर तो है नहीं कि जो जाके बोले चलो आ जाओ भाई सारे डॉक्यूमेंट्स खोलें, पहले चीज़ को वेरीफाई करेंगे प्राइस पर बाद में आएंगे। कस्टमर का तो सारा जोर ही प्राइस पर निकलता है और दुकानदार इस गेम को समझ गया, वो प्राइस ही इतनी गिरा देता है। प्राइस ऐसे गिराता है, थर्ड क्लास सामान ला के नॉन वेरीफाइड सीरेट सामान लागे, कस्टमर वहाँ हिल जाता है। और बस यही हुआ है इस मार्केट में। और फिर नुकसान किसका होता है पैसे देने के बाद? कस्टमर का थोड़ी होता है, दुकानदार में ने तो उधर से भी 15% निकालना था, इधर भी निकाल लिया, उसका तो उसका इक्वली है, उसका नहीं कम हुआ, उसका हो सकता है उसमें ज्यादा हो सी क्लास में, ज्यादा ही है। तो ये तो मैंने एक एवरेज बताई आपको, तो नुकसान किसका हो गया? सारी पैसे इसके जाया होगा, कस्टमर के। बिल्कुल। तो मैसेज को स्प्रेड करें, मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि लोगों का भला हो सके। और देखें, मार्केट में चेंज तभी आता है जब कस्टमर्स चेंज चाहें। कस्टमर ड्रिवन मार्केट है, कोई ये कोई और मार्केट नहीं है कि किसी की मर्जी चल रही हो, कोई मोनोपली नहीं है किसी की कि इसकी मर्जी होगी तो यही वाला माल आएगा। ओपन मार्केट है, हर बंदा सोलर पैनल ही इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है इस मुल्क में। और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ख़रीदना चाह रहे हैं, जो कस्टमर चाहेगा जिस तरह की चीज़ चाहेगा, जितनी जेन्युइन चीज़ चाहेगा उतनी ही जेन्युइन चीज़ उसे मिलेगी। कस्टमर अगर चाहेगा कि सिर्फ उसको 30 रुपये पर वॉट में मिल जाए, वो बेशक कचरा ही मिल रहा हो तो उसे कचरा मिलना शुरू हो जाएगा, जेन्युइन सामान उसे नहीं मिलेगा। एक कस्टमर के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने आप को अवेयर करे और अपने सर्कल में इन बातों को स्प्रेड करे ताकि जो माइंड्स हैं वो खुलें और जो ज़्यादा नॉलेज है वो स्प्रेड हो। और ज़्यादातर हर बंदे को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर उसने परचेजिंग करनी है सोलर पैनल से रिलेटेड इक्विपमेंट की तो उसने किस तरह करनी है। वीडियो हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी फैमिलीज़ में फैलाएं इन बातों को ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके ये बात, और जिसका भी भला हो जाए उस सब का फ़ायदा इंशाल्लाह होगा और सवाब भी सबको मिलेगा इंशाल्लाह इसके साथ साथ। शुक्रिया, थैंक यू।